लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कोशिश की थी कि अमाइनो एसिड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। बेशक वो कोशिश नाकाम गई थी, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं, क्योंकि हमने अभी मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पढ़ना ना, बायो मॉलिक्यूल्स को पढ़ना। और हमने ये देखा था कि वाटर को डिस्कस करने के बाद जो फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से अगर हम प्रोटीन्स को डिस्कस करें तो प्रोटीन्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले उन मॉलिक्यूल्स को देखना है जिनसे मिलकर प्रोटीन्स बनी हुई है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ना, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाने का पोटेंशियल रखते हैं, ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, आपके पास जो है कोवलेंट सॉरी जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स कौन से हैं और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स कौन से हैं। सो आगे जब आप लोग हायर क्लासेस में प्रोटीन्स की फोल्डिंग की बात करेंगे तो वहां पे ये चीज बताई गई होगी कि एक जो प्रोटीन है उसमें फॉर एग्जांपल 30th पोजीशन के ऊपर देयर इज एन अमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड, और वो फॉर एग्जांपल आपके पास 110 पोजीशन के ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है उसके साथ इंटरेक्शन डेवलप करता है। तो आपके माइंड में पहले ये चीज होनी चाहिए कि प्रोटीन्स में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बना सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स का विद दी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज क्लियर करनी है, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स, और इनके स्ट्रक्चर पे अभी हम थोड़ी देर बाद जाते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करें जो कि नेचर में नोन है, तो वी हैव 300+ अमाइनो एसिड्स जो कि आइडेंटिफाइड है। ठीक है, ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, ये ह्यूमन बींग्स में भी हो सकते हैं, ये प्लांट से भी हो सकते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यानी टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो आपके पास नॉन है वो 300+। अब इन अमाइनो एसिड्स को जब हमने फर्दर देखा, इनको प्रोटीन के साथ कंपेयर किया, तो हमें ये चीज पता चली कि इन 300 अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोटीन्स में प्रेजेंट हैं। नो, ये मैं बाद में बताती हूँ एसेंशियल किसे कहते हैं। अभी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि टोटल अमाइनो एसिड्स इतने हैं 300, और इसमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन्स का पार्ट है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोटीन है और उस प्रोटीन की आप सिक्वेंसिंग करते हो तो आपको पता चलता है कि उस प्रोटीन के अंदर सिर्फ ये 20 अमाइनो एसिड्स होंगे। लाइक उसमें ग्लाइसिन हो सकता है, हो सकता है ग्लाइसिन जो है वो 100 टाइम्स रिपीट हुआ हो, पोजीशन 1 के ऊपर, पोजीशन 10 के ऊपर, पोजीशन 20 के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लाइसिन, मैंने कहा है इस सीक्वेंस के अंदर, सपोज आपके पास इस सीक्वेंस के अंदर 500 अमाइनो एसिड्स है तो हो सकता है ग्लाइसिन 100 टाइम्स रिपीट हुआ है, एलानिन जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसी तरह से एस्पार्टिक एसिड 3 टाइम्स आया है, प्रोलीन आपके पास जो है वो 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। यानी 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स उस प्रोटीन के अंदर रिपीट होंगे। उन 20 अमाइनो एसिड्स के अलावा बाकी अमाइनो एसिड जो 280 अमाइनो एसिड है वो इस प्रोटीन का पार्ट नहीं है। सो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, इन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं कि दीज अमाइनो एसिड्स आर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, दीज आर दी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। जो असेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड की हम बात करते हैं ना, वो इन्हीं 20 में से हम कहते हैं कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं, 10 अमाइनो एसिड जो कि असेंशियल हैं, और बाकी आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो नॉन असेंशियल हैं। ओवरऑल आपके टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स में से हम लोग 20 अमाइनो एसिड्स को पहले इन डिटेल स्टडी करेंगे, बिकॉज हमने क्या देखना है, हमने प्रोटीन्स को स्टडी करना है ना, तो हम उन अमाइनो एसिड्स को पहले अच्छे से समझेंगे जो कि किसका पार्ट है, प्रोटीन्स का पार्ट है। बाकी अमाइनो एसिड्स कहाँ पे यूज होते हैं, उनका क्या रोल है, उसको हम जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन डेफिनेटली हम एक से दो ऐसे पाथवेज देखेंगे, एक से दो ऐसे साइकिल्स देखेंगे जिसमें बाकी अमाइनो एसिड यूज हो सकते हैं। लाइक आप यूरिया साइकिल में देखेंगे कि कुछ अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का पार्ट नहीं है लेकिन वो यूरिया साइकिल में यूज होते हैं, जिसमें सिट्रुलिन आ जाता है आपका। तो बॉडी के अंदर सम नॉन
नॉन प्रोटीन जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एडिशनल पाथवेज के अंदर यूज होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी है यूरिया साइकिल की। तो यहाँ तक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्लियर हो गए, अभी मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करना है आगे। ओके, अब इन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की हम पहले जो है वो थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर किस लिए जरूरी है, बिकॉज आगे बायोकेमिस्ट्री 2 में जाके आप लोगों को इंफॉर्मेशन ऐसे बुक में दी होगी कि देयर इज एन एंजाइम व्हिच एक्ट ऑन द बीटा पोजीशन, बीटा कार्बन एटम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। देयर इज एन एंजाइम जो कि अल्फा पोजीशन को टारगेट कर रहा है। तो जब तक आप लोगों को अल्फा और बीटा पोजीशन क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि वो एंजाइम किस पोजीशन के ऊपर या किस कार्बन के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है। सो अमाइनो एसिड्स की जो नंबरिंग है और उसमें ये अल्फा और बीटा पोजीशंस कौन सी हैं, ये पहले देख लीजिए। ओवरऑल हम ये चीज कहते हैं कि कोई अमाइनो एसिड अगर प्रेजेंट है तो उसमें एक सेंट्रल कार्बन प्रेजेंट है, उस कार्बन एटम के एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है। देयर आर सम अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में एडिशनल कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक अगर आप लोग स्लाइड्स में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास अमाइनो एसिड लाइसीन है, और लाइसीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में ब्यूटाइल अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप है? ब्यूटाइल अमोनियम। ब्यूटाइल ब्यूटेन से निकला ना, इट मीन्स कि इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे? 4 कार्बन एटम्स होंगे। सो आप इसको इस तरह से लिखते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पे मैं इसलिए ऐसे लिख रही हूँ बिकॉज इधर एक बॉन्ड बन सकता है और इधर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो दिस इज ब्यूटाइल अमोनियम साइड चेन। ये ब्यूटाइल अमोनियम ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, लाइसीन की आर को सब्स्टिट्यूट करेगा ना, बिकॉज हमने ये कहा है कि लाइसीन में आर चेन इज इक्वल टू ब्यूटाइल अमोनियम ग्रुप। सो मैं इस ब्यूटाइल अमोनियम ग्रुप को यहाँ पे लिख रही हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसको नंबरिंग किस तरह से करनी है। आपको नजर आ रहा है? ओके, अब हमने अगर ये चीज बतानी है कि अमाइनो ग्रुप कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है। तो आप जब भी किसी हाइड्रोकार्बन चेन को, ये आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि आप लोग अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आप नंबरिंग उस कार्बन एटम से करते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप लोगों ने इधर नंबरिंग स्टार्ट करनी है, अरेबिक नंबर्स इसको देने हैं, तो आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इसको नंबर करोगे। मैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन चेन को नंबर कर रही हूँ। सो यू कैन easily specify the number of carbon atom जिसके ऊपर amino group attach होगा, और वो कौन सा carbon atom है? 6 carbon atom। ये मैंने Arabic numerals की बात की है, लेकिन जब हम Greek numbering की बात करते हैं ना, alpha, beta और gamma, तो तब हमेशा हम उस carbon atom को alpha carbon atom कहते हैं which is close to the functional group। So इस case में अगर आप alpha beta वाली numbering की बात करते हो तो आपकी ये वाली कार्बन एटम अल्फा होगी, ये कार्बन एटम बीटा होगी और ये कार्बन एटम कौन सी होगी? गैमा कार्बन एटम होगी। और इसी तरह से आप इस नंबर को जो है वो आगे एक्सीड कर सकते हो कि आप इसको सिग्मा और एप्सिलॉन कह सकते हो। तो आप ये बता सकते हो कि आपका अल्फा अमाइनो ग्रुप किसी रिएक्शन में यूज हो रहा है या एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप, यानी वो अमाइनो ग्रुप जो अल्फा कार्बन एटम के साथ अटैच है वो यूज होगा रिएक्शन में, या वो अमाइनो ग्रुप जो के साइड चेन का पार्ट है। सो इस तरह से आप सिंपली बता सकते हो कि दिस अल्फा अमाइनो ग्रुप विल कंट्रीब्यूट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आप कहोगे कि एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप विल यूज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? अब आप लोगों को पता चल गया है कि आपने अल्फा किस पोजिशन को कहना है। अल्फा कार्बन एटम आपका वही कार्बन एटम होगा सब अमाइनो एसिड में which is attached to the carboxylic acid functional group and amino group। और आपको ये भी चीज पता चल गई है कि अगर बीटा कार्बन एटम होगा तो हमेशा वो साइड चेन से बिलोंग करेगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? सो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर आपसे ये बताया जाता है कि देयर इज एन एंजाइम जो कि इस अमाइनो एसिड को या किसी प्रोटीन को आके एक्ट कर रहा है उसकी बीटा पोजिशन के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम इज इक्विवेलेंट टू द बीटा कार्बन एटम। सो हमेशा वो कहां पे अटैक करेगा?
थर्ड कार्बन के ऊपर। और अगर कोई ऐसा एंजाइम है जो कि अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो उसने किस कार्बन को अटैक करना है? कार्बन नंबर 2, बिकॉज सेकंड कार्बन एटम आपकी क्या होगी? अल्फा कार्बन एटम कंसीडर की जाएगी। अब अगर आप लोग स्लाइड से एक दफा चले जाएं और यहाँ से इस चीज को देखें कि आपके पास जनरल जो मैं अभी बता रही थी कि अमाइनो एसिड्स में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक तरफ आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ आर है। अमाइनो एसिड्स के अंदर जो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो इस आर चेन की वजह से ही आता है। लाइक अगर हम इस चीज को देखें कि आपके पास 2 या 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, दिस इज एन अमाइनो एसिड नंबर 1, 2 एंड 3। जब आप इनके स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको ये चीज समझ में आती है कि यहाँ पे भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और इस अमाइनो एसिड में यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है। इस अमाइनो एसिड में भी यू हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। इसी तरह से इस कार्बन एटम के एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगी और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगी। लेकिन इन तीनों अमाइनो एसिड्स में डिफरेंस किस वजह से आएगा? आर चेन का डिफरेंस आएगा, साइड चेन का डिफरेंस आएगा। लाइक अगर इस अमाइनो एसिड में आर चेन की जगह देयर इज एन एडिशनल हाइड्रोजन, आर चेन की जगह हाइड्रोजन है, तो ये आप कहेंगे कि दिस अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। अगर आपके पास आर चेन की जगह यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो दिस विल बी एलानिन। और अगर इस आर चेन की जगह आपके पास अगेन ब्यूटाइल अमोनियम ग्रुप ही आ जाता है तो ये कौन सा अमाइनो एसिड होगा? लाइसिन। दिस इज लाइसिन। सो वी कैन से कि आपके जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, उन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में हर एक अमाइनो एसिड के पास 3 ग्रुप सेम रहेंगे। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी होगा, अमाइनो ग्रुप भी होगा, हाइड्रोजन भी होगी। जो मेजर डिफरेंस आएगा उनमें वो किस चीज की वजह से आ रहा है? साइड चेन की वजह से, आर ग्रुप की वजह से डिफरेंस आ रहा है। सो आप यहाँ से इस चीज को भी देख सकते हैं कि एक्चुअली जो अमाइनो एसिड्स का बिहेवियर है, कुछ अमाइनो एसिड्स को हम पोलर कहते हैं, कुछ को नॉन पोलर कहते हैं, कुछ को कहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, एक्चुअली ये हम इस साइड चेन की वजह से ही कहते हैं। लाइक लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें यू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप इन साइड चेन, सो ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। और ये किसी ऐसे अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर सकता है, आयनिक बॉन्ड बना सकता है, जिसकी साइड चेन में कौन सा ग्रुप होगा? नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होगा। दूसरी तरफ एलानिन आपके पास ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स के जो बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं ना, इसका मतलब है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं कर सकता और ये आपके पास कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? नॉन पोलर अमाइनो एसिड। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास जो हाइड्रोजन है ये कौन सा हाइड्रोजन होगा? नॉन पोलर अमाइनो एसिड। सो ऑन द बेसिस ऑफ आर चेन, आर चेन की बेस पे आप ना सिर्फ एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफर कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, बल्कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, मीडियम में वो सोलोबलाइज होंगे या नहीं, क्या वो इंटरेक्शन डेवलप करेंगे या नहीं, ये भी इस आर चेन पे ही डिपेंड करते हैं। अगर उनकी आर चेन में कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोटेंशियल रखता है या जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है, तो वो एक्वियस सॉल्यूशन में सोलोबल होंगे। और अगर उनके आर चेन के अंदर कोई ऐसा ग्रुप है जो वाटर के साथ इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर सकता, जो कि हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, तो वो वाटर में सोलोबलाइज भी नहीं होंगे। नॉन पोलर है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल चार्ज नहीं है ना। हमने ये चीज डिसाइड की थी ना कि पोलैरिटी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी डेवलप हो सकती है जब आपके पास जो हाइड्रोजन है वो इस सिस्टम के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो। सो इस केस में आपका जो हाइड्रोजन है ये नॉन पोलर है, ये पोलर नहीं है, इस पे पार्शियल चार्जेस नहीं है, इसका मतलब है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो ये वाटर के अंदर इसका बिहेवियर क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्यूट जैसा बिहेवियर होगा। उसके बाद बच्चों आप यहां से देख सकते हैं कि आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके कुछ कोड्स गिवन है। लाइक जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से हर एक अमाइनो एसिड के आगे एक 3-letter कोड और उसके आगे 1-letter कोड गिवन है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी देख लें कि
जितने भी आपके पास 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, हर अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो तरह के जो है वो मेथड्स हैं। एक तो ये कि आप उस अमाइनो एसिड का जो नेम है उसके लिए 3 letter code यूज करो या फिर 1 letter code यूज करो। ये कोडिंग आप लोग जैसे जैसे अमाइनो एसिड्स पढ़ रहे हो ना, तो मैं यही कोशिश करूंगी कि लेक्चर में भी हम लोग इन 3 और 1 letter codes को यूज करें, और आप लोग खुद भी जिस जिस अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ रहे हो, लाइक आज आपने ग्लाइसिन, एलानिन और लाइसिन के बारे में पढ़ा है, तो आप इन 3 amino acids के 1 letter code और 3 letter codes को देख लो, तो आपकी जो है वो प्रैक्टिस होती जाएगी। ये प्रैक्टिस मैं क्यों करवाना चाह रही हूँ, बिकॉज आगे जाके आप लोग अगर MS के लिए या किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए किसी स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होते हो, या फिर आप फॉरन PhD का प्लान करते हो, तो वहां पे जो है वो गेट बेस्ड एक टेस्ट आता है बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें सिंपल चीजों को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। लाइक आपसे ये कहा जा सकता है कि आपके पास ये एक पेप्टाइड है, ये एक पेंटापेप्टाइड है, इस पेंटापेप्टाइड के ऊपर क्या चार्ज होगा? आप इसी में कंफ्यूज हो गए कि R किसका कोड था, F किसका कोड था, W कौन सा अमाइनो एसिड है, Y कौन सा, K किसे का, ठीक है? सो आप लोगों को पता होना चाहिए सिंगल लेटर कोड भी और इसके साथ साथ 3 letter codes भी। लाइक यहां से आप देख सकते हैं कि arginine के लिए आप R को यूज करते हो, F को आप यूज करते हो फिनाइल एलानिन के लिए, वेयर इज दैट, दिस फिनाइल एलानिन के लिए, W को आप यूज कर रहे हो ट्रिप्टोफैन के लिए, Y को यूज कर रहे हो फॉर द टायरोसिन, यस टायरोसिन, एंड K इज फॉर लाइसिन, ठीक है? सो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है जो कि सेमेस्टर में इस कोर्स के साथ ही आपकी होती जाएगी। आज के लेक्चर से अगर आप थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं तो सिर्फ 20 ही तो अमाइनो एसिड्स हैं, तो उनके कोर्स भी आप लोगों को अच्छे से जो है वो याद हो जाएंगे, और ये आपने कोशिश करनी है कि इस पैटर्न में आपने देखना। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज कायरल सेंटर और इस कायरलिटी की वजह से अमाइनो एसिड में क्या यूनिक प्रॉपर्टी आती है। जी बच्चों, कायरल कार्बन किसे कहते हैं, एनी आइडिया? कार्बन की अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, और हमें यह भी पता है कि कार्बन जो है वो अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीपल वैरायटीज के बॉन्ड्स बनाता है। समटाइम किसी ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, समटाइम एक ही ग्रुप के साथ चारों तरफ अटैच हो जाता है, जैसे आप मीथेन में देखते हो, समटाइम्स जो है वो इसमें ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो जाती है। सो ऐसा कार्बन जिसमें आपकी इसकी जो टेट्रा वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो, उस कार्बन को हम कहते हैं कायरल या एसिमेट्रिक। लाइक अगर आप इस कार्बन की बात करते हो तो इसमें सिमेट्री है, इसमें चारों तरफ एक ही जैसा ग्रुप अटैच है ना, तो ये कार्बन आपका ए कायरल कार्बन होगा या फिर सिमेट्रिक कार्बन, जबकि दूसरी तरफ आप एक ऐसा कार्बन एटम देख रहे हैं जिसके एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ फॉर एग्जाम्पल इथाइल ग्रुप है, और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। चारों पोजीशंस पे ग्रुप्स डिफरेंट है ना, तो ये वाला कार्बन एटम आपका क्या होगा, कायरल कार्बन होगा या फिर ए सिमेट्रिक कार्बन। लाइक इसमें आप देखते हैं कि एक तरफ आपका ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हाइड्रोजन और इथाइल। इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं अमाइनो एसिड्स। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अमाइनो एसिड्स में हम एक तरफ ग्लाइसिन की एग्जांपल ले लेते हैं और दूसरी तरफ कोई सा भी दूसरा अमाइनो एसिड लेते हैं, तो आपने अगर अमाइनो एसिड्स में कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करना है तो आप इसी रूल के अकॉर्डिंग, लाइक ग्लाइसिन को आप क्या कहेंगे कि ग्लाइसिन का अल्फा कार्बन एटम क्या है, ए कायरल है। क्यों एक कायरल है? क्योंकि इसके 2 वैलेंसीज सेम ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट्स व्हाई ये क्या है, एक कायरल है, या फिर आप इसे कहेंगे सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें सिमिलर ग्रुप अटैच है। दूसरी तरफ आपके पास एक अमाइनो एसिड है एलानिन, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन है और यहां पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप। अगर इससे इस
स्ट्रक्चर में से पूछा जाए कि क्या यहाँ पे जो अल्फा कार्बन एटम है वो कायरल है या नहीं, कायरल है, तो आप ये चीज कहेंगे कि इस केस में आपके पास जो अल्फा कार्बन एटम है इट इज कायरल या फिर ए सिमेट्रिक। सो एक्सेप्शंस को हमेशा याद रखते हैं, आपके जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से सिर्फ एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका अल्फा कार्बन एटम ए कायरल है। इसके अलावा बाकी जितने अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स क्या हैं, कायरल हैं। उनमें अल्फा कार्बन एटम क्या है, चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। सो बाकी जो 19 आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो कायरलिटी की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। इज इट क्लियर? जी आमना, क्लियर है? क्लास पार्टिसिपेशन के बारे में मैंने शुरू में बताया, क्या बताया था, एक्टिव रहना, ठीक है, ओके। अब कायरलिटी की सिग्निफिकेंस क्या है ये तो हमें पता चल गया। जी ये कायरल है, क्यों कायरल है, क्योंकि चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, ठीक है, एसिमेट्रिक है, सिमेट्री मींस के सिमिलर है या नहीं। बच्चों अब कायरलिटी का फायदा क्या है, हम क्यों इस बहस में पढ़ रहे हैं कि कौन सा कार्बन एटम कायरल है और कौन सा कार्बन एटम कायरल नहीं। अगर किसी बायोमोलिक्यूल में आपके पास कोई एक सेंटर ऐसा प्रेजेंट है, अब मैं एक कायरल पे डिस्कशन नहीं करूंगी, हमारा कंसर्न किसके साथ है, कायरल कार्बन के साथ। सो पहली चीज आपने देखनी है कायरलिटी है या नहीं। अगर कायरलिटी है तो हम आगे मूव करेंगे कि कायरल कार्बन की वजह से जो आपके कंपाउंड्स हैं, चाहे वो कोई अमाइनो एसिड है चाहे वो कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें यू हैव वन कायरल सेंटर, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है। यानी कायरलिटी की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी आई, ऑप्टिकल रोटेशन। यानी जो आपके पास यहाँ पे कायरल सेंटर है, अगर आप इस पे प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे, प्लेन पोलराइज लाइट मीन लाइट हैविंग सेम वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर आप किसी कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हो तो ये कंपाउंड अपने इस कायरल कार्बन की वजह से उस लाइट को वन ऑफ द टू डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर राइट डायरेक्शन में। यानी इसमें ऑप्टिकल रोटेशन की प्रॉपर्टी है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को या सेम वेवलेंथ की जो लाइट है उसको रोटेट करवा सकता है लेफ्ट या फिर राइट डायरेक्शन में। ये प्रॉपर्टी किसी ऐसे कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है जिसने कायरल सेंटर नहीं है। यानी अगर आप ग्लाइसिन की बात करो तो ग्लाइसिन में कायरल सेंटर नहीं है। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो इसका मतलब है ऑप्टिकल रोटेशन भी वो शो नहीं करेगा। इट मींस के ऑप्टिकल रोटेशन को शो करने के लिए आपके पास पहली कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, कायरलिटी। सो जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर कायरल कार्बन है हम सिर्फ उनको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ओनली दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। इनके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑप्टिकल रोटेशन को शो नहीं करते। अब ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से क्या होगा, सपोज इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट पास की और उस प्लेन पोलराइज लाइट की वजह से इसने उसको एक दफा लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया और एक दफा राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। सो आपके पास आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे। बच्चे यहाँ पे मैं अभी अमाइनो एसिड की बजाय ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लेके एग्जाम्पल दूंगी और उसके बाद मैं अमाइनो एसिड्स को वापस लेके आऊंगी। क्यों मैं ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पहले डिस्कस करने लगी हूँ, बिकॉज सबसे पहले कायरलिटी ग्लिसरल्डिहाइड पे ऑब्जर्व की गई थी और अब जब हम किसी दूसरे कंपाउंड के ऊपर ये फिनोमिना लगाते हैं तो हम ग्लिसरल्डिहाइड को एज अ पेरेंट स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। सो ग्लिसरल्डिहाइड क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट है और ये एक ट्राइओज है। ट्राइओज मीन्स इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, थ्री कार्बन एटम्स होंगे और ये एक एल्डो ट्राइओज है। एल्डो ट्राइओज मीन्स कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं ना कि दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। सो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमेशा फर्स्ट पोजिशन पे या एंड ऑफ द चेन पे प्रेजेंट होता है। सो एक कार्बन एटम के ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है,
दूसरे कार्बन एटम के ऊपर एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन OH ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन। पहले तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इस ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में क्या पहला कार्बन एटम कायरल है? दिस इज ए कायरल। सेकेंड कार्बन एटम? यस, ओ एच एच दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप, बिकॉज हमने इसके फोर बॉन्ड्स देखने हैं ना, तो क्या ये कायरल है? यस, ये कायरल है। इसके बाद अगर हम थर्ड कार्बन की बात करते हैं तो थर्ड कार्बन में हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ओ एच एंड दिस कंप्लीट ग्रुप, क्या ये कायरल है? नो। इसका मतलब है कि ग्लिसरल्डिहाइड के केस में हमारे पास सिर्फ सेंट्रल कार्बन एटम क्या है? कायरल कार्बन है। सो अगर इसमें एक कायरल कार्बन है तो क्या ये ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगी? यस करेगी, क्योंकि इसमें एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। जी काका, ऑप्टिकल रोटेशन का ये मतलब है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट पास करो तो जो कायरल सेंटर इसमें प्रेजेंट है, जो कायरल कार्बन प्रेजेंट है, वो उस प्लेन पोलराइज लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, लेफ्ट या फिर राइट। ठीक है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास एक कार्बन कायरल कार्बन है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकती है लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर राइट डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? अब सपोज कि आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के ऊपर आपने लाइट पास की और उसने उसको रोटेट कर दिया, इसको मैं CH2OH अब लिख रही हूं। आपने इसके ऊपर लाइट पास की, इफेक्ट क्या होगा कि ये उस लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगी या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अब आपने इस चीज को अगर रिपोर्ट करना है, आपने पेपर पे लिख के दिखाना है कि इस स्ट्रक्चर में ग्लिसरल्डिहाइड ने लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया है या राइट डायरेक्शन में रोटेट किया, तो डेफिनेटली आपको किसी किस्म की यहाँ पे पोजीशन स्पेसिफाई करनी चाहिए ना। तो आप ग्लिसरल्डिहाइड के केस में वो ग्लिसरल्डिहाइड जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, उस केस में आप OH को लेफ्ट साइड पे लिखते हो। लाइक मैं यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, दिस इज द ग्लिसरल्डिहाइड जिसने प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ पे रोटेट किया? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो OH ग्रुप कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड पे। और इसको आप कहोगे दिस इज एन ग्लिसरल्डिहाइड। आपने उसको पेपर के ऊपर बताना है कि ये लेफ्ट है या राइट है, तो डेफिनेटली आपने कोई रेफरेंस पोजीशन रखनी है, और यहाँ पे जो आपकी रेफरेंस पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन है? OH ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। दूसरी तरफ अगर आपने ये बताना है कि आपका एक पर्टिकुलर ग्लिसरल्डिहाइड इस केस में लाइट को रोटेट कर रहा है राइट डायरेक्शन में, तो आप OH ग्रुप को कहाँ पे रखोगे? राइट साइड पे। सो ये आपके पास कौन सा ग्लिसरल्डिहाइड होगा? बी ग्लिसरल्डिहाइड। एल इज फ्रॉम लेवो, और लेवो मीन्स लेफ्ट, और डी इज फ्रॉम डेक्स्ट्रो, एंड डेक्स्ट्रो मीन्स राइट। सो आपने ये चीज बता दी कि एक कायरल सेंटर कितने आइसोमर्स प्रोड्यूस कर सकता है? दो आइसोमर्स प्रोड्यूस कर सकता है। सो अगर किसी स्ट्रक्चर में आपके पास एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो आप उसके आइसोमर्स निकाल सकते हैं 2n से, वेयर 2, 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर किसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इंक्रीज होते जाएंगे तो आप इस फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट करके उसके आइसोमर्स निकाल सकते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड के केस में आपके पास एक 3-कार्बन शुगर थी और उसने कितने कायरल सेंटर थे? एक कायरल सेंटर था ना, तो आपके पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ आइसोमर्स आपने निकालने हैं कि एक कायरल सेंटर की वजह से कितने आइसोमर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो आपने फॉर्मूला यूज किया 2^n, और n की वैल्यू कितनी थी? 1। आपके पास आंसर क्या आया? 2, विच मींस कि एक कायरल सेंटर जब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा तो दो आइसोमर्स प्रोड्यूस कर सकता है। एक आइसोमर आपका होगा एल ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा आइसोमर कौन सा होगा? डी ग्लिसरल्डिहाइड। इज इट क्लियर? अब डी और
एल ग्लिसरेल्डिहाइड्स को हम कहते हैं कि दीज आर दी आइसोमर्स। ये क्या है? आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स किन्हें कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल पोजीशन जो है वो डिफर करती है। सो अगर मैं यहाँ पे डी और एल ग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करूं तो इसमें कितने कार्बन एटम है? 3। और इसमें कितने कार्बन एटम है? 3। हम लिखेंगे C3। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। देर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन की बात करें तो 1, 2, 3, 1, 2 and 3। इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बेस पे आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कभी भी हम एल ग्लिसरेल्डिहाइड में OH को जो है वो राइट पे नहीं लिख सकते और डी ग्लिसरेल्डिहाइड में OH को लेफ्ट पे नहीं लिख सकते। इट मींस कि देयर आर डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। बेशक इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे। और इन आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, जो कि सिर्फ ग्रुप्स की पोजीशन के डिफरेंस होने की वजह से आइसोमर्स कहलाएंगे। इनको हम क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। सो हमने ये चीज देखी, बिल्कुल है, पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इसके अलावा मल्टीपल अदर टाइप्स के आइसोमर्स रिपोर्टेड हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं जिसमें आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की एग्जांपल लेते हो, ऐसे आइसोमर्स जिसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ किसी एक कार्बन एटम के अराउंड जो ग्रुप्स है उनकी पोजिशन चेंज हुई है, इन आइसोमर्स को आप कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। विच मीन्स कि इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है, जो ग्रुप्स की पोजिशन है सिर्फ वो चेंज है, फंक्शनल ग्रुप सेम है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, सिर्फ एक कायरल सेंटर के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन क्या हो गई है? इनवर्ट हो गई है। सो अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर कायरल कार्बन है, कायरलिटी है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की वजह से आइसोमर्स प्रोड्यूस करेगी और इन आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। इसका मतलब है कि स्टीरियो आइसोमर्स को एक्सप्लेन करने के लिए या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करने के लिए कायरल सेंटर का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर कायरल सेंटर नहीं होगी, ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगी, ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगी, लेफ्ट राइट रोटेशन नहीं होगी और स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। सो हमेशा स्टीरियो आइसोमर्स उन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये फिनोमिना आप ऑब्जर्व करोगे जिनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? कायरल सेंटर प्रेजेंट है। सो जब भी आपने स्टीरियो आइसोमर्स की बात करनी है, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ कि आपने हमेशा कहाँ से स्टार्ट लेना है? कायरलिटी से। जब तक आप कायरल सेंटर को एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप स्टीरियो आइसोमर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी कंडीशन है कि स्ट्रक्चर के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट जरूर हो। अब स्टीरियो आइसोमर्स से हम फर्दर मूव करते हैं टुवर्ड इनेंशियोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक कैटेगरी है इनेंशियोमर्स और एक कैटेगरी है डायस्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स, ठीक है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे का मिरर इमेजेस हैं, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। बता रही हूं, एक मिनट वेट कीजिएगा। सुपर इम्पोज करने का मतलब ये होता है अलाइन करवाना। अगर आपके पास, आप वर्ड पे जब असाइनमेंट बनाते हो और आप एक ही पिक्चर को अगर दो दफा आप वहां पे पेस्ट कर दो, एक पिक्चर को अगर आप दूसरी पिक्चर के ऊपर लेके जाओ तो वो बेस्ट फिट आ जाए, बिकॉज वो 100% क्या है? आइडेंटिकल है। और आप जब पुरानी पिक्चर के ऊपर नई पिक्चर को पेस्ट करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पीछे कोई पिक्चर थी या नहीं। ऐसे ही है ना, इसका मतलब है कि उसमें हर एक पोजिशन,
हर एक ओरिएंटेशन बिल्कुल आइडेंटिकल सेकंड पिक्चर के अंदर प्रेजेंट है। सो इस तरह की हम पोजीशन को कहते हैं, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं कि वो सुपर इम्पोज हो गई है, यानी इस तरह से उसके ऊपर सेट आई है कि आपको पता ही नहीं चला कि पीछे कोई और स्ट्रक्चर था या नहीं, बिकॉज ये 100% क्या है, आइडेंटिकल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एल ग्लिसरल्डिहाइड को उठा के डी ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर पे रखने की कोशिश करूं या इसको अलाइन करवाने की कोशिश करूं, और आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे अगर मैं इसको ब्लू कलर से यूज करती हूँ कि मैं डी के ऊपर एल को एडजस्ट करना चाह रही हूँ या पेस्ट करना चाह रही हूँ, कार्बन सेंटर्स एक दूसरे पे आ जाएंगे। सपोज ये मैं एल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला ग्रुप भी इसके ऊपर आ जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पीछे कोई ऐसा ग्रुप था या नहीं, ये भी इसके ऊपर बिल्कुल सेट आ जाएगा ये वाला ग्रुप। लेकिन इस कार्बन के अराउंड यहाँ पे OH है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, H है। सो यहाँ पे अलाइनमेंट ठीक नहीं हुई, यहाँ पे आके यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करें तो कॉन्ट्राडिक्ट्री मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, तो ये बेस्ट फिट नहीं होंगे। इसका मतलब है ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। इस तरह की प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, बट दे आर मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस आप किन्हें कहते हो, कि वो बिल्कुल सेम है, और ये प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये मिरर इमेजेस हैं। यानी आप अगर इनको एक दूसरे पे अलाइन करने की कोशिश करो तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि इनकी जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन ऑपोजिट है, अदरवाइज ये 100% क्या है, सेम है, ये मिरर इमेजेस हैं, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, ऑल्दो दे आर मिरर इमेजेस। सो यही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यानी इन पे एक ही जैसे ग्रुप्स हैं लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज वो एक जैसे ग्रुप्स किसी एक पोजिशन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच है। सो ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स को आप क्या कहते हो, इनेंशियोमर्स। इज इट क्लियर? अगर इनेंशियोमर्स के बारे में पूछा जाए तो आपने कायरलिटी से स्टार्ट करना है। ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स जिनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं वन ऑफ द टू डायरेक्शंस में, आइसोमर्स प्रोड्यूस करते हैं, इन आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, एंड दीज आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल, दैट्स व्हाई दीज आर इनेंशियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स को एक्सप्लेन करने से पहले कायरलिटी से आप लोग स्टार्ट लोगे। इज इट क्लियर? डायस्टीरियोमर्स मैं अभी नहीं बता रही, लेकिन उसमें आपने सिर्फ एग्जांपल ये दे रही, लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है कि डायस्टीरियोमर्स में आपके जो आइसोमर्स हैं वो मिरर इमेजेस भी नहीं होते, दे आर नॉट मिरर इमेजेस एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। लेकिन इनेंशियोमर्स में मिरर इमेजेस होंगे बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। बच्चों मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी है कार्बोहाइड्रेट की, ग्लिसरल्डिहाइड की एग्जाम्पल दी। अगर हमने इसी एग्जांपल को अमाइनो एसिड्स के लिए स्टडी करना है तो आप लोग जैसे यहाँ पे स्लाइड से देख सकते हैं कि अगर हमने ग्लिसरल्डिहाइड के लिए रूल्स निकाल लिए हैं तो उन्हीं रूल्स को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं फॉर दी अमाइनो एसिड्स। लाइक ग्लिसरल्डिहाइड इज अ रेफरेंस स्ट्रक्चर, और वो रेफरेंस स्ट्रक्चर क्यों है, बिकॉज सबसे पहली दफा जो कायरलिटी और इनेंशियोमर्स का कॉन्सेप्ट है वो ग्लिसरल्डिहाइड पे अप्लाई हुआ था। तो बाद में आने वाले जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप किससे कंपेयर करोगे, ग्लिसरल्डिहाइड के साथ कंपेयर करोगे। सो जब हम अमाइनो एसिड्स में डी और एल फॉर्म की बात करेंगे तो हम अमाइनो एसिड्स को कंपेयर करेंगे विद द एल एंड डी फॉर्म्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, और इस केस में आप जो रेफरेंस पोर्शन यूज करोगे वो आप अमाइनो ग्रुप को यूज करोगे, अल्फा अमाइनो ग्रुप। सो बी फॉर्म के अंदर आपका अल्फा अमाइनो ग्रुप राइट साइड लेफ्ट साइड पे होगा, सॉरी राइट साइड पे होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके डी ग्लिसरल्डिहाइड में OH ग्रुप राइट साइड पे था। सो आप ग्लिसरल्डिहाइड के केस में कायरल सेंटर के अराउंड OH ग्रुप को एज अ रेफरेंस स्ट्रक्चर यूज करते थे राइट और लेफ्ट बताने के लिए। अमाइनो एसिड में आप अल्फा अमाइनो ग्रुप को यूज करोगे, ठीक है, यानी वो अमाइनो ग्रुप जो कि अल्फा कार्बन एटम के साथ अटैच है, इसको आप डी शुगर में राइट साइड पे कर दोगे और एल शुगर में किस साइड पे कर दोगे, लेफ्ट साइड में। सो आप अगर आप लोगों को दो या तीन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स दिए जाएं और उनकी इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स पूछी जाएं तो आप लोगों ने इस तरह से ड्रॉ करनी है। साइड चेन का इसमें कोई रोल नहीं है, हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे किस चीज को रेफर
विद हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप विद हाइड्रोजन, ठीक है। ये नहीं करना कि यहाँ पे अमाइनो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है बिल्कुल उस तरह जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन था। क्लियर हो गया।